दो अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ था। वे किसी देश की सीमाओं में समाहित होने वाला व्यक्तित्व नहीं थे, वे एक विश्व मानव थे। महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट है जितने कि वो अपने जीवन काल में थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व दुनिया के लिए एक अजूबा है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए, अपने जीवन की कसौटी पर कस करके दिए। महात्मा गांधी प्रकृति के साथ संवाद करना सिखाते थे, प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता उनको मंजूर नहीं था। महात्मा गांधी का जीवन मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। मानव जात को टेररिज्म से मुक्त करना है तो भी महात्मा गांधी के मार्ग से ही मुक्त किया जा सकता है। गांधी के लिए आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता का महत्व था। महात्मा गांधी भी कहा करते थे, भूखे का भगवान तो रोटी होता है। गांधी ने आजादी को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना कितना पीछे छूट गया, क्या हम हमारे भीतर उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं? आइए हम सब महात्मा गांधी की बात को माने और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ कदम हम भी चलें।